वो ड्रिपिंग शुरू होगी तो वो आपकी लाइनर से शुरू होगी और आपके केबिन के अंदर बरसात शुरू हो जाएगी। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि सनरूफ का ड्रेन पाइप कहाँ होता है। वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा आपको पता है कि इंडिया में मॉनसून ऑलमोस्ट हर स्टेट में ऑलरेडी आ चुका है, तो अब इस कंडीशन में आपकी गाड़ी की मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपको मेक श्योर करना है कि आपकी गाड़ी के अंदर पानी ना आए, और वो सिर्फ जो फ्लडिंग वाला कंडीशन है उस वजह से नहीं, आपको ये भी देखना है कि आपकी गाड़ी का कोई भी जो ड्रेन है वो ब्लॉक ना हो, जिसकी वजह से गाड़ी के अंदर पानी आ जाए। तो आज हम इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे। तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्ट। रोड के अंदर आपको पानी का ड्रेन कहाँ मिलता है मैं वो दिखाता हूँ। जैसा आपको पता है कि टाटा नेक्सॉन में यहाँ पे अम्ब्रेला होल्डर मिलता है, तो इसका जो पानी का जो ड्रेन पाइप है वो यहाँ पर है, ये रहा। अब यहाँ से जब आपकी गाड़ी के अंदर आपने अगर कोई गीला अम्ब्रेला ला के रख दिया है तो पानी उसकी वजह से यहाँ से निकलेगा, पानी जो है वो यहाँ से निकलेगा, एक यहाँ से निकलेगा और एक यहाँ से निकलेगा। तो ये तीन फ्रंट डोर में ड्रेन पाइप्स हैं। ऐसा ही सिमिलर ड्रेन पाइप आपको पैसेंजर साइड के डोर पे मिलेगा। अब देखते हैं रेयर में कहाँ पर है। रेयर का जो आपको ड्रेन है वो एक यहाँ पर है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। सिमिलर आपको मिलेगा राइट हैंड साइड वाले डोर पे। अब कई बार क्या होता है, जैसा मैंने मुंबई में देखा था, मुंबई में आप ये देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारा गंदा भरा हुआ ऑलरेडी, ये पानी का जो दाग है ये सब ऑलरेडी है। तो जब मैं मुंबई में था तो मेरी गाड़ी पेड़ के नीचे खड़ी रहती थी, तो सारा डेबरी यहाँ जमा हो जाता था। तो आपको ऑलवेज़ मेक श्योर करना है कि आपका जो पत्ते हैं या फिर ब्रांच है या कुछ भी है वो इधर आके जमा ना हुआ हो, क्योंकि अगर इधर क्लॉगिंग हो गई तो पानी यहाँ से एस्केप करेगा, इस गैस्केट के थ्रू एस्केप करेगा और फिर गाड़ी के अंदर आ जाएगा। तो आपको ऑलवेज मेक श्योर करना है कि ये पूरी तरह से क्लियर हो। डिक्की में जो आपको ड्रेन पाइप मिलता है, मतलब जहाँ से पानी निकलता है, वो है आपके जो है ये टेल लाइट का जो असेंबली है उसके पीछे से, ये गैप से पानी निकलना शुरू होता है। तो आपको ऑलवेज़ मेक श्योर करना है कि यहाँ पे भी कोई डेबरी ना हो। ऐसा ही दूसरी साइड भी होगा, यहाँ पे कोई भी डेबरी नहीं होना चाहिए, क्योंकि पानी ऑलवेज़ यहाँ से निकल के इसके थ्रू और फिर पीछे से नीचे गिरता है। अब बात करते हैं गाड़ी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रेन पाइप के बारे में। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रेन पाइप है वो आपको मिलता है इस वाली एरिया में। तो ये एरिया आपको ऑलवेज़ क्लियर रखना है, क्योंकि पानी अगर यहाँ जमा हुआ तो वो डैशबोर्ड के थ्रू आपकी गाड़ी के अंदर घुसेगा। तो ये जो पार्ट्स है यहाँ पे, ये जो आपको ग्रूव दिख रहा है, ये ऑलवेज़ क्लियर रहना चाहिए। ये वाइपर का ग्रूव है, और ये मैंने मुंबई में देखा था। और मतलब अगर आप जनरली पेड़ के नीचे गाड़ी खड़ी करते हैं तो पत्ते जो हैं वो यहाँ पे आके जमा हो जाते हैं इन दोनों में, तो ये ऑलवेज़ क्लियर रहना चाहिए। दूसरा, यहाँ पे आपको एक सेंटर में ये एक ड्रेन पाइप दिख रहा है, वो ऑलवेज़ क्लियर रहना चाहिए, क्योंकि पानी जब जमा होगा तो वो इस जगह में जमा हो जाएगा। जैसा आप यहाँ पे लाइन में गंदा देख रहे हैं, ये पानी की वजह से ही हुआ है। मेरा ये वाला जो ड्रेन है वो क्लॉक था, मैंने इसको क्लियर किया तो पानी सारा निकल गया। तो ये ऑलवेज़ क्लियर रहना चाहिए। और सिमिलरली इस तरफ, क्योंकि वाइपर नहीं है, आपको यहाँ पर एक ड्रेन मिलता है। ये जो ड्रेन्स हैं ये ऑलवेज़ क्लियर रहना चाहिए। आपको मेक श्योर करना है कि यहाँ तो पानी जमा ना ही हो। और फाइनली जो ये वाला जो एरिया है, ये पूरा, यहाँ पे भी आपका पानी नहीं आना चाहिए, क्योंकि ठीक है यहाँ अगर आ भी गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ग्रिल्स लगे हुए हैं जिसके थ्रू पानी यहाँ से निकल के सीधा यहाँ बाहर से ही इंजन कंपार्टमेंट से होके नीचे गिर जाएगा। तो इसमें इतना कोई इशू नहीं है, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक डेबरी है, ये पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। वहाँ पे एक डेबरी है वो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि क्या होगा अगर, जैसा मैंने मेरी पोलो में देखा था, उसमें क्या हुआ था, उसके ड्रेन्स को मैं उतना ज़्यादा क्लियर नहीं करता था, वो ऑलवेज़ वैसे ही रहता था। तो उसमें क्या हुआ था कि जब बारिश हुई थी तो पत्ते का डेबरी हर ड्रेन पर लगा हुआ था, और जब बारिश हुई थी और ज़ोर से बारिश हुई थी मुंबई में,
तो वो टाइम पे मेरा पूरा पानी अंदर घुस गया था केबिन के। तो जब मैंने सर्विस सेंटर पे मैं गया तो उन लोगों ने जब चेक किया तो उन्होंने बताया कि ये ड्रेन सारे क्लॉक थे, इस वजह से ही आपके गाड़ी के अंदर जो है पानी गया। तो ऑलवेज़ मेक श्योर करिए कि आपका सारा ड्रेन पाइप ऑलवेज। अब बात करते हैं हमारे सबसे फेवरेट फीचर सनरूफ के बारे में। अब सनरूफ के अगर आपकी गाड़ी में है तो आप ऑलवेज़ मेक श्योर करिए कि आपकी गाड़ी का जो सनरूफ का जो ड्रेन पाइप है वो ऑलवेज़ क्लियर हो। अब इसे इसलिए भी क्लियर करना ज़रूरी है क्योंकि अगर वो क्लियर नहीं हुआ तो आपके इन रूफ लाइनर्स में से पानी गिरना शुरू हो जाएगा। मतलब पानी, मतलब ये जो पूरा आपका जो छत है गाड़ी का अंदर की तरफ से, ये तो पूरी तरह से खोखला है, करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे आपका सनरूफ का मैकेनिज़म आ जाता है तो ये पूरी तरह से खोखला है। अब अगर ये ड्रेन पाइप अगर ब्लॉक हुआ तो पानी जो है वो अंदर जमा हो जाएगा, जमा पानी कहीं से तो निकलेगा। अब वो ड्रिपिंग शुरू होगी तो वो आपकी लाइनर से शुरू होगी और आपके केबिन के अंदर बरसात शुरू हो जाएगी। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि सनरूफ का ड्रेन पाइप कहाँ होता है। तो सनरूफ का जो ड्रेन पाइप होता है वो होता है वहाँ, वो आपको एक होल दिख रहा है ये वाला यहाँ कॉर्नर में, ये वाला, ये जो ड्रेन पाइप है वो आपके सनरूफ का ड्रेन पाइप है। तो ये ऑलवेज क्लियर रहना चाहिए। इसमें तो आपको मेक श्योर करना है कि कहीं पे भी डेबरी ना हो। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये थोड़ा सा भी डेबरी नहीं है और ये मेरा जो ड्रेन पाइप है वो पूरी तरह से यहाँ पे क्लियर है। इसको तो आपको किसी भी हाल में क्लियर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यहाँ पे थोड़ा सा भी डेबरी नहीं होना चाहिए। मेक श्योर करिए कि आप इसे ऑलवेज क्लियर रखते हैं। तो ये थी जानकारी मॉनसून के मेंटेनेंस और ड्रेन पाइप्स के मेंटेनेंस के बारे में। गाड़ी के अंदर बहुत सारे ड्रेन पाइप्स होते हैं और इन सभी ड्रेन पाइप्स को क्लियर रखने की जिम्मेदारी आपकी है। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि मेरे गाड़ी साफ़ करने वाले ने नहीं किया या किसी ने नहीं किया। अगर कोई नहीं कर रहा है तो आप ये चीज़ खुद करिए, क्योंकि अगर एक भी ड्रेन पाइप आपका क्लॉग्ड हुआ तो आपकी गाड़ी के अंदर तो 100% पानी आएगा। अगर बाहर से फ्लड का पानी नहीं आता है तो आपका बारिश का पानी तो ज़रूर आ जाएगा। तो अगर आपको इस पूरे वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करिएगा, एक कमेंट भी अच्छा सा कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।